وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهو कह दे हक आ गया और बातिल भाग गया यकीन बातिल भाग जाने वाला ही है। रज़ीम बिस्मिल्लर मोहतरम नाजरीन खाकसार डॉक्टर मोहम्मद यहिया फैज़ान ख़ब नबूत ग्रुप की जानब से एक दफ़ा फिर आपकी ख़िदमत में हाजिर हैं मेरे भाइयों आज की हमारी वीडियो के जो असल मुखातब हैं वो हमारे वो गैरमदी भाई हैं जो कि इन मौलवी मुबर सा शाह साहेब ये देखें लिखा हुआ है मुंतज़म अली ख़ब नबूत फोरम मुफ्ती सैद मुबर रज़ा कदरी इनके बैंक अकाउंट में जो हैं वो पैसे नहीं भेज रहे हैं ये इसकी वजह क्या बनी कि हम ये वीडियो बना रहे हैं उसकी वजह ये बनी मेरे भाइयों के हमारा जो वास्ता है ये मुफ्ती मुबशर रज़ा कादरी साहब से ये कोई 2015-2016 से हमारा वास्ता पड़ रहा है उस जमाने में भी, भी ये मोहतरम मौलवी साहब ये बहुत लंबी लंबी छोड़ने के आदि थे लेकिन आज कल माफ़ करे अल्लाह माफ़ करे यूँ लगता है कि महंगाई का जिन वो मौलवी मुबशर शाह साहब को बहुत बुरी तरह डस रहा है और करीने के आस यही है कि जब भी इनको कोई बिल कोई बिजली का बिल कोई गैस का बिल मिलता है ये परेशानी में मज़ीद पैसे इकट्ठे करने के लिए वीडियो फिल्माना आ, शुरू कर देते हैं और वीडियोस भी ऐसे ही बनाते हैं कि अल्लाह की पना और आ, हम हम ही हमारी आखिर जैसा कि खाखार ने अर्ज़ किया कोई चार पाँच साल से तकरीबन जो है वो इनसे जान पहचान है इसलिए हमने सोचा कि ये मुफ्ती साहब झूठी वीडियो बना बना कर आ, सिर्फ चंदा इकट्ठा करने की खातर जो जहन्नम का ईंधा ईंधन बनेंगे तो क्यों ना हम भी इनकी हमदर्दी में हमें इनसे सच्ची हमदर्दी है हम इनकी आवाम से कहें कि जनाब मुबशर रज़ाकदरी साहेब बार बार आपको एहसास दिलवाते हैं कि खुदारा पैसे दो भीख दो आ, जो है लेकिन आप लोगों के कानों तक पर यू लगता है चूंग तक नहीं रेंगती बहरहाल प्यारे भाइयों हुआ ये ये जिस वजह से आज की वीडियो जो है वो खाकसार ने बनाई कुछ हुआ कुछ इस तरह है कि हाल ही में मुबशर रजा कादरी साहेब ये कुछ अजीबो गरीब किस्म की वीडियोस बनाते हैं और यानी कि खुलकर अपने लोगों को ये हिंट देते हैं कि भाई मैनू को कहता ना पंजाबी ये कि मैनू फड़ो वरना मैं जा रहा जे ये देखें ये कुछ अर्सा पहले ये इनकी जना वीडियो हुई थी अपलोड चौदह सितंबर दो हज़ार को हैं जी और हेडिंग देखें जी कहते हैं इनके नज़दीक इस पूरी वीडियो में इन इनके नज़दीक कहते हैं जी कोई अहमदी जो है वो कहता है जी पैसे ले लें शाह जी मैंने आपको फ़ंड जमा करवाना है मुफ्ती साहब पैसे ले लें मगर कादियानियों की जान छोड़ दें अल्लाह वो कहते हैं ना बिल्ली को छीछड़ों के खाब तो ये दरअसल प्यारे दोस्तों ये मुफ्ती मुबशर शाह साहेब ये हिंट देते हैं अपने दोस्तों को लेकिन वो मौलवी साहब के इतने बड़े बड़े हिंट देने के बावजूद मौलवी साहब के बैंक में पैसे नहीं जमा करवाते अब मौलवी साहब क्या करें अभी देखें हाल ही में और यही वजह बनी हमारी आज की वीडियो जो है वो बनाने की हाल ही में मौलवी साहब ने एक वीडियो अपलोड की जिसके ज़हर है उसके आखिर में ये भूले नहीं हैं अपना जो है वो पैसे मांगने का भीख मांगने का इश्तहार देना लेकिन बहरहाल इस वीडियो की हम बात कर रहे थे इस वीडियो के मुताबिक जिसमें जिसका टाइटल इन्होंने दिया कादियानी लड़की मुसलमान हो गई ये अभी चार फरवरी को इन्होंने अपलोड की है कहते हैं जी कादियानी लड़की ने इस्लाम क्यों कबूल किया हैं जी अच्छा अब देखें ये आ, मैंने जैसा कि अर्ज़ कर रहा था मौलवी बशर शाह साहेब को लगता है ये जो महंगाई का जिन है ये मजबूर करता है कि ये अब पहले इनकी वीडियो में फिर भी कुछ कुछ सच हो ही जाता था शामिल अब तो इनकी वीडियोज़ जो आजकल मंजर आम पर आ रही हैं मुकम्मल झूठ पर मबनी होती हैं यानी इस वीडियो में सिर्फ एक बात सच है और वो ये कि मौलवी मुबेश शाह साहब ने इस वीडियो में दिल खोल कर झूठ बोला है ठीक है जी और अब ये देखें जैसा जब हम आपको ये वीडियो दिखलाएंगे, सुनवाएंगे, तो सीधी बातें मेरे भाइयों हमारे दोस्तों को का भी यही ख्याल है कि ना ही वो लड़की कोई असली लड़की लगती है बल्कि लगता यूँ है कि वो या तो वो मौलवी नुमा लड़की है या लड़की नुमा मौलवी साहब हैं जिनकी आवाज़ रिकॉर्ड की गई है गोया के और फिर इसके ऊपर ये कि ऐसे बेशुमार सबूत मौलवी मुबशर शाह साहब ने अपनी इस वीडियो में जो इन्होंने महंगाई के जिन के डर से लगता है फिल्माई ऐसे ऐसे सबूत इन्होंने पीछे छोड़े हैं जिससे सौ फ़ीसद ये बात वाजे हो जाती है कि ये आ, ये जो आवाज़ है वो लड़की की है या नहीं है ये तो आप लोग ख़ुद फ़ैसला करेंगे एक बात वो सौ फ़ीसद दुरुस्त है कि ये जो भी जिसकी भी आवाज़ है वो कभी भी उसका जमात अहमदिया मुजलमा से ताल्लुक़ नहीं रहा तो प्यारे भाइयों आप देखें मैंने जिस तरह आपको अर्ज़ किया था हमारे गैरमदी भाई अगर आप इन मौलवी मुबशर शाह साहब को कुछ भीग दे दिया करें कुछ चंदा दे दिया करें तो इनको इस तरह से जो कि जैसा कि हम आपको अभी इस वीडियो में दिखलाएंगे, बेशुमार झूठे झूठ ना बोलने पड़ें मन घड़त कहानियाँ ना इनको बनानी पड़ें अब देखें मौलवी होकर इतने बड़ी ये देखें इनकी माशाल्लाह दाढ़ी है मौलवी होकर ऐसी वीडियोस बनाना ये वीडियो हो गई या ये वीडियो हो गई या इस तरह की आजकल तो जनाब थोक के लिहाज से ये वीडियोस बनाते हैं जिनमें सारे किरदार ही झूठे होते हैं सारी बातें झूठी होती हैं मन घड़त होती हैं इल्ज़ाम झूठे होते हैं इनके दावे झूठे होते हैं इसलिए मेरे भाइयों मेरी आप से फिर जो है वो इतमास है खुदारा मौलवी मुबशर शाह साहब को कुछ ना कुछ तो भीख डाल दिया करें ताकि ये जहन्नम का ईंधन बनने से बच जाए वरना जितना ये आजकल झूठ बोलते हैं इससे अल्लाह माफ़ करे लगता तो यही है कि इनका वो कहते हैं ना जो फ्यूचर है वो ब्राइट नहीं लग रहा प्यारे भाइयों जैसा कि हमने अर्ज़ किया इस वीडियो में ऐसे बेशुमार झूठ बोले गए हैं इस तरह से हक का हकैक का ख़ून किया गया है और ये वीडियो जैसा कि हम आपको दिखलाएंगे तनाकुस से भरपूर वीडियो है कि इससे साफ़ जाहिर हो जाता है कि मौलवी साहब की हालत आजकल बहुत ही पतली है खुदारा मेरे भाइयों इनके बैंक बैलेंस का ख्याल रखें इससे पहले मेरे भाइयों के हम आपको ये वीडियो जो है इसके कुछ कुछ हिस्से आपको दिखलाना शुरू करें आ, हम माजरत खा हैं इस वीडियो में बाज़ ऐसी याद की गई हैं जो कि हम आपको सुनवाना नहीं चाहते थे लेकिन अगर हमारी मजबूरी ये है कि अगर हम आपको सुनवाएं नहीं तो मौलवी साहब का झूठ हम किस तरह आपके सामने जाहिर करें इसलिए हम पेशगी माजरत खा हैं प्यारे भाइयों हमने जैसा कि आपसे अर्ज़ किया ये जो लड़की जो है जो बन रही है इस इस वीडियो में वो लड़की जो है वो हमारे कई दोस्तों का ख़्याल है वो दरअसल कोई लड़की वगैरह नहीं है ये कोई मौलवी साहिब हैं जो कि लड़की की आवाज़ निकार रहे हैं लेकिन बहरहाल वो चाहे वो लड़की है और इससे मौलवी साहब ने झूठ बुलवाए हैं या वो मौलवी साहब हैं जिन्होंने झूठे तौर पर लड़की की आवाज़ें निकाली हैं ये मौलवी मुबशर शाह साहब जाए जाने और अल्लाह जाने हम आज अल्हम्दुलिल्लाह इस इन मौलवी मुबशर शाह साहेब का जो झूठ है वो हम आपके सामने पूरी तरह खोलते हैं अल्हदिल्ला और इसमें देखें मसला यहाँ पर आ, वो जो मौलवी साहब हैं या जो लड़की है वो मुबशर शाह साहब को ये क्या फरमाइश कर रही है सुने मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान करें करो जी मुझे कलमा पढ़ाकर कहते हैं जी उस लड़की ने कहा कि जी मुसलमान करो और आप ये देखें मौलवी साहब ने आ, उस लड़की को जी एक कलमा पढ़वाया है और अल्लाह की पनाह हम वो सुना करते थे कि चिश्ती रसूल्ला अशरफ अली रसूल्ला है जी ये बरेलवी हजरत का करते हैं या दियोबंदियों दिवबंदी जो है उन्होंने अपनी किताबों में लिखा हुआ है लेकिन मौलवी मुबर शाह साहब को जब उस लड़की ने कहा क्या कहा था उसने मैं दोबारा आपको सुनवा दूँ उसने कहा था कलमा जो है मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान करो मौलवी साहब कहते हैं उसने कहा तो आप जनाब मौलवी सैयद मुफ्ती मुबशर रज़ा कादरी साहब का कलमा सुन लें अल्लाह जी कलमा सुने इनका रहा था तो अभी मैंने जो है ना वो आपकी आडियो सुनी तो मैंने गाड़ी साइड पे लगा के तो मैंने सोचा कि आपको फ़ौरी तौर पे कलमा पढ़वाया जाए आपको फ़ौरी तौर पे कलमा पढ़वाया जाए आपको फ़ौरी तौर पे कलमा पढ़वाया जाए तो मैं जो अल्फ़ाज बोलता हूँ आप मेरे पीछे पीछे बोलें और एक ऑडियो रिकॉर्ड करके मुझे सेंड करें आप कहें कि मैं मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के ऊपर लानत डालती हूँ वो झूठा है उसने जितने दावे किए झूठे हैं मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसम की ख़त में के ऊपर ईमान लाती हूँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि आकलीम के बाद कोई नबी नहीं हज़रत ईसा आल्लाम ज़िंदा आसमान पर उठा लिए गए हैं क़ुरबे की आमत में वो ज़िंदा आसमान से नज़ूल करेंगे हज़रत इमाम मेहदी उनकी इमामत करेंगे उनके पीछे हज़रत ईसा नमाज़ पढ़ेंगे तो ये क्योंकि इस्लामी इसलिए ये साथ आप बोलिएगा जजाक जी प्यारे भाइयों तो ये जनाब मौलवी मुफ्ती मुबशर रजा कादरी साहब जिन्होंने जैसा कि हमने अर्ज़ किया चंदा इकट्ठा करने के लिए सौ फीसद झूठ पर मबनी एक वीडियो बनाई उन्होंने जनाब कलमा जो है इस्लाम का जो कलिमा है उसको ही तब्दील कर दिया है और ये अब ये एक इजाफा हो गया जी चिश्ती रसूलुल्लाह और जैसा कि हमने कहा अशरफ अली रसूलुल्लाह के साथ साथ ये मौलवी मुबशर शाह साहब का ये कलमा नोट कर लें दोस्त ये इनके नज़दीक कलमा है अस्तफर असतखफरुल्ला बहरहाल जी प्यारे भैया इस वीडियो में आ, मौलवी मुबशर रज़ा कादरी साहब ने आ, जैसा कि हमने अर्ज़ किया बेशुमार झूठ बोले और इस लड़की नुमा मौलवी से मुँह से भी बुलवाए लेकिन क्योंकि वो इनको जो है वो कोई रिसर्च वगैरह तो ये लोग करते नहीं हैं इनको न, इनको निज़ाम जमात का पता ही नहीं कि जमत अहमदिया मुसलमान किस तरह की जमात है ये तो सिर्फ चंदा बटोरने के चक्कर में झूठ बोलने के आदि लोग हैं इन्होंने ऐसे ऐसे झूठ इस वीडियो में शामिल किए हैं जहाँ से जिस तरह के मैंने अर्ज़ किया ये फौरी तौर पर पकड़े जाते हैं मसरा अभी ये ये सुने क्या फरमा रहे हैं ये

ये जो मौलवी नुमा लड़की है इसने भी ये बात क्यों की, की, की अपनी तरफ से इन्होंने हमारे जो बहुत ही महतरम जमात के मुरबियान हैं उनको बदनाम करने के लिए बात की लेकिन अब इन बेचारों को पता ही नहीं है क्या पता नहीं है इनको यही नहीं पता कि जमत अहमद या मुसलमा एक मुसलमान जमात है एक मनज़म जमात है और हमारे मरबीन इनके मौलियों की तरह घर घर जाकर कुरान पाक बचियों को नहीं पढ़ाते हमारा बकायदा जो निज़ाम है उसमें या तो अपने घर के अफराद ही अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते हैं या अगर लड़कियों को कुरान पाक पढ़ाना भी हो तो, तो हमारी जो औरतों की तंजीम है लजना की तंजीम वो इस बात का ख्याल रखती है कि किसी बच्ची को अगर कुरान पढ़ाना है तो किसी औरत के ज़रिए उसका या कोई औरत लड़कियों की क्लासेस लेती है और लेकिन ये चूँकि मौलवी साहब ने तो झूठ बोलना था ये बिल्कुल ये समझते रहे ये सोचते हुए कि जनाब जमात अहमदिया में भी कोई मौलवियों की तरह का कोई निज़ाम होगा कि मौलवी घर जाके लड़कियों को कुरान पाक पढ़ा रहा है और ये इस बात से जो है इनकी जो है ये बात पकड़ी गई कि सिर्फ जो है वो जिस तरह के मैंने अर्ज़ किया चंदा बटोरने के शौक़ में मौलवी साहब ने ये वीडियो बनाई है और उसमें बेशुमार झूठ बोले हैं और बस इसके अलावा इस वीडियो की कोई अहमियत नहीं इसलिए मेरे भाइयों मेरे गैरामदी भाइयों इनको मौलवी साहब को कोई चंदा चंदा दे दिया करो क्यों इनको जहन्नम के अथा जो है वो गहरे खड में आप लोग धकेर रहे हैं इनके कोई पैसे दें इन ताकि मौलवी साहब की परेशानियाँ कम हो बार अच्छा मेरे भाइयों एक और बात ये मौलवी साहब ने अभी ये दावा किया कि ये कोई इन इनकी इस फिल्म के मुताबिक ये जो इन्होंने फ़िल्माई झूठे तौर पर ये कोई कादियानी लड़की थी और इस लड़की ने मौलवी साहब के नज़दीक अभी अभी जनाब कलमा पढ़ा है लेकिन अब ये देखें मौलवी साहब जो हैं वो ये जिन्होंने इनसे तोबा करवाई है वो इन मौलवी मुबशर साहब से इन मौलवी मुबशर शाह से, से कितनी फ्री है माशाल्लाह हैं जी इतनी बेहुदा बेहदा आ कर रही है उनके साथ और मज़े की बात यह है कि वही गंदे इल्जाम लगा रही है जमात के बारे में और हज़रत मसीह मसी मौजूद के बारे में जो मौलवी साहब दिन रात खुद लगाते हैं ठीक है जी तो लगता यह है कि इल्जाम भी जो लिखे गए हैं जो जाहिर है मौलवी साहब ने फिल्म प्रोड्यूस की है ये तो मौलवी साहब ने शायद उसको पर्चियाँ दी हैं कि ये बोल देना बहरहाल अब सोचने वाली बात यह है मेरे भाइयों अगर तो ये वाकई लड़का है कोई मौलवी है जो कि लड़की की आवाज़ निकाल रहा है तो ये कितना बड़ा झूठ है और अगर ये लड़की है वाकई लड़की है जिस तरह मौलवी साहब यहाँ पे बोल रहे हैं तो ये लड़की किस तरह की गंदी गुफ्तु कर रही है मौलवी साहब के साथ और मैं आप ये गुफ्तु सुन लें फिर इस फिर आपको अंदाज़ा होगा कि मैं क्यों ये कह रहा हूँ सुने

अब इनकी इस वाहियात इल्ज़ाम को हम एक तरफ छोड़ते हुए अब आप ये देखें अल्लाह ताला माफ़ करें मौलवी साहब ने अगरचे अपनी तरफ से जमात को बदनाम करने के लिए ये वीडियो बनाई लेकिन वो कहते हैं ना अल्लाह ताला जो है वो फितना फिर फितना इन मौलवियों पर लौटा देता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देखें ये जो लड़की नुमा जे जो मौलवी साहब हैं या जो भी हैं ये यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे हैं अब मज़े की बात यह है कि पहली बात तो यह है कि अजीब मज़बी लड़की है इसको कैसे पता चला कि जी खुसरों के साथ काम करते हैं फिर ये मौलवी साहब को भी मौलवी मुबर रज़ा कादरी साहब को भी फ़ौर समझ आ गई कि खुसरों के साथ क्या करते हैं हैं जी कोई सवाल वगैरह पूछने की इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी और इसका क्या क्या मतलब निकला मतलब ये निकला कि ये मौलवी नुमा लड़की या लड़की नुमा मौलवी और मौलवी मुबशर रजा कादरी साहब दोनों ही खुसरों के माहिर निकले अल्लाह हैं जी तो मौलवी साहब मौलवी मुबशर रज़ा कादरी साहब मुफ्ती साहब हमारी ये आपसे गुजारिश है कि अगर आप ना बनाएँ तो आइंदा अपने नाम के साथ मौलवी मुफ्ती या मौलाना का जो है वो टाइटल हटाकर माहिर माहर खुसरियात जो हैं वो लिखवा लें वैसे भी हो सकता है कि माहिर खुसरियात जो है उसकी आमदन एक मौलवी मुबशर की आमदन से ज़्यादा ही निकले और मौलवी मुबशर साहब ये जो आपकी मौजूदा जो आपकी हालत है पतली हो रही है आ, माली तौर पर और आपको बार बार भीख मांगनी पड़ती है झूठी वीडियोस बनानी पड़ती हैं है जी इस इससे भी आपकी इन श माहिर खुसरियात अगर आप लिखवा लें अपने साथ जिस तरह के आपने इस वीडियो में अपने आप को साबित भी किया है तो हमें उम्मीद है कि आपको आइंदा इस तरह की झूठी वीडियोस बनाने की शायद ज़रूरत ही ना पड़े बहरहाल ये हमारा एक आजाना मशवरा है अगर आप कबूल करना या ना करना ये आपके आपका काम है ये आपकी मर्ज़ी है बहरहाल पहले भैया जैसा कि हमने अर्ज़ किया कि ये वीडियो बजाते खुद काफ़ी है ये सबत करने के लिए कि मौलवी साहब जो हैं इन्होंने ये जो स्टोरी बनाई कि कोई कादियानी लड़की है ये कोई कादियानी लड़की नहीं है ये कोई इन्हीं की कोई बहन है इन्हीं की कोई गारामामदी या लड़की है या कोई गारामदी मौलवी है जो कि लड़की की आवाज़ निकाल रही है आइए देखें एक और सबूत सुना

अच्छा अब पहली बात तो ये है कि कोई भी अहमदी लड़की अहमदी लड़का जो कि जिसको जो कि कभी भी अहमदी रहा हो अपनी जिंदगी में उसको इस बात का सौ फ़ीसद पता है कि हज़रत मिर्ज़ा साहब के, के आ, का जो है उनको कोई इस तरह का जिस्मानी ऐब नहीं था यह गरचे बात है नबी अम्बिया पर भी इन इन मौलवियों को भी पता है कि जिसमानी ऐब हो सकते हैं हजरत मूसा को लुकनत थी हजरत हज़रतूब के बारे में ये लोग खुद मानते हैं कि सारा जिसम खारिश से फोड़ों से भर गया था और इनके नज़दीक अल्लाह माफ़ करे जो अहले शहर थे वो उठा के हजरत यूब को वो कचरे के ढेर पर फेंक गए थे अस्तफर लेकिन बहरहाल ये बात जिस तरह के मैं अर्ज़ कर रहा था ये हर एमदी को पता है कि हज़रत मिर्ज़ा साहब का आ, के जो है उनको उनको कोई इस तरह का जिसमानी ऐप नहीं था आ, और यही वजह है कि उस जमाने के जो गैरअमदीमा है उनकी किसी किताब में किसी रिसाले में किसी अखबार में आप ये नहीं हमें दिखला सकते कि कोई साहेब वो उन्होंने लिखा हो कि जी मैं कादियान मसलन गया या मिर्ज़ा साहब से मुलाकात हुई तो मैंने देखा कि मिर्ज़ा साहब जो हैं उनकी एक आँख में ऐब था लेकिन ये चूँकि एक फ़र्जी कहानी जो है वो बनाई गई एक लड़की जो है वो बनाई गई या एक लड़की को झूठ सिखलाया मौलवी बशर शाह साहब ने इसलिए वो ऐसे झूठ बोल गई जो कि मौलवी बशर शाह साहब को मज़ीद झूठा साबित कर गए और ये साबित हो गया कि मौलवी बशर शाह साहब ने ये वीडियो जो है वो झूठे तौर पर बनाई है क्यों मैंने जिस तरह अर्ज़ किया मौलवी साहब की जेब जो है वो लगता है खाली है तो प्यारे भाइयों हमारे गैरमंदी दोस्तों ये जो मौलवी साहब हैं देखें इनको अगर आप रुपया रुपया भी दें तो इनको इतने बड़े झूठ तो ना घड़ने पड़े हैं जी ये देखें कितनी मुश्किल से बैठ के झूठ घड़ते होंगे बनाते होंगे फिर सोचते होंगे पूरा सीन तैयार करते होंगे फिर लड़की ढूंढते होंगे फिर कहीं जाकर इनको शायद कोई जो है जो इश्तहार देख के किसी को याद आता होगा कि वो हो मौलवी बशर शाह साहब को पैसे भी देने हैं अगर आप इनको वैसे ही पैसे दे दिया करें तो मौलवी साहब को इतने झूठ तो ना बोलने पड़े अच्छा प्यारे भाइयों जैसा कि हमने अर्ज़ किया मौलवी साहब ने झूठ तो बोले ही बोले उसके साथ मौलवी साहब ने बेशुमार जो हैं इनकी वीडियो में तनाक़ात आपको देखने में मिलेंगे जिससे मज़ीद ये बात जो है वो साबित हो जाती है कि मौलवी साहब जो हैं इनके बेचारों की बहुत ही पतली हालत है आजकल ईद अब, अब देखें वो जब इंसान अल्लाह माफ़ करे झूठ बोलने पर आता है तो फिर उसको पता ही नहीं चलता जनाब कि ये कैसे कैसे झूठ जो है वो बोल जाता है ये देखें ये मौलवी साहब यहाँ पर ख़ुद आपको पढ़ के सुनाएंगे कि ये लड़की कहाँ से है ये जो लड़की इन्होंने पकड़ी या इन्होंने लड़की बनाई वो कहाँ से है वो लड़की कहती हैं हमारी बहन मैं लाहौर से हूँ जी मैं जी क्या कहते हैं मैं लाहौर से हूँ अब ये देखें मौलवी साहब ने जिन्होंने फ़िल्म फिल्माई वो जो कहते रहे मैं लाहौर से हूँ अब ये देखें उन्हीं मौलवी साहब ने ये मैं बड़ा कर दिया इसको इस लड़की का ये जनाब नंबर सेव किया हुआ है आ, किस नाम से सेव किया हुआ है फैसलाबाद मारिया एक्स का दयानी <laughs> वाह लाहौर की लड़की थी यहाँ पे क्या लिखा है फैसलाबाद मारिया एक्स का दयानी अल्लाह 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 हैं जी वो जो कहते हैं ना झूठ के वाकई पाँव नहीं होते और मौलवी बशर शाह साहब ने जब ये वीडियो फिल्माई तो बेचारों को पता ही नहीं चला इधर लाहौर लिख लिख गए या लिखवा दिया इन्होंने हैं जी और इधर फैसलाबाद सुबहान अल्लाह गया अब अच्छा। मजीद मौलवी साहब ऐसी ऐसी बातें इसमें कर गए जो कि एक दूसरे के से भी आ, मैच नहीं कर रही अजीब फिल्म बनाई है इन्होंने जी एक जगह कुछ और कह रहे हैं दूसरी जगह कुछ और कह रहे हैं ये स, आ, मसलन ये इन्हीं के बारे में जानना चाहती हूँ मैं इसके मानने, मानने वाली जनाब ये, ये जो फर्जी लड़की है ये मौलवी साहब के बकौल ये अभी मिर्जा हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादी असलम के बारे में जानना चाहती है और ये उसके मानने वाली है अभी जानना चाहती है लेकिन वीडियो के एक मिनट बाद ही अभी ये उसी दिन ही इनकी जनाब कोई बातशाह हुई थी वो लड़की जो मौलवी साहब के नज़दीक या वो या ये कह लें वो लड़की नुमा मौलवी जो कि मिर्ज़ा साहब के बारे में जानना चाहता था वो पहले जानना चाहता था या थी अब देखें क्या फरमा रही हैं या क्या फरमा रहा है चाहती नहीं है जी तो ये जनाब यहाँ पर जानना चाहती थी यहाँ पर एक मिनट बाद ही उसी दिन ही जनाब इनको सब कुछ पता भी चल गया फिर एक और हम आपको इसका तनाकुस जो है वो सुनवाते हैं मुबशर शाह साहब की इस वीडियो में इसको भी जरा गौर से सुने जिससे मौलवी साहब मजीद झूठा साबित होंगे इनशाला मन से सुन रही हूँ और आपने जितनी भी रोहाने के जाए के हवाले दिए हैं ना वो बिल्कुल आपके हवाले ठीक हैं और मैं जब मतलब जो भी आप हवाले सेंड करते थे ना मैं, मैं उसकी मतलब तहकीकत करती थी जी ये आपने गौर से सुना जो भी आप हवाले सेंड करते थे मैं उसकी तहकीकात करती थी मतलब जो भी आपका वाले सेंड करते थे ना मैं उसकी मतलब तहकीकात करती थी मतलब जो भी आपका वाले सेंड करते थे ना मैं उसकी मतलब तहकीकात करती थी यानी मौलवी साहब इसको सेंड करते थे इस ऑडियो के मुताबिक लेकिन इसी वीडियो के आप शुरू में चले जाएं तो मौलवी साहब ने इसका तारीफ क्या करवाया था सुने जरा मोहतरम दोस्तों WhatsApp के ऊपर एक मैसेज मुझे मोصول मु� हुआ और वो मैसेज एक कादियानी मर्जई लड़की का था जी व्हाट्सएप के ऊपर मौलवी साहब कहते हैं इनको एक मैसेज मशूल हुआ जो कि कादियानी लड़की का था गोया वो आ, और इस पूरी इस हिस्से को आप सुनेंगे तो आप देखेंगे कि मौलवी साहब ये यहाँ पर इस तरह बात कर रहे हैं कि ये पहली दफ़ा गोया ये एक मैसेज मसूल हुआ है और कभी इससे पहले मौलवी साहब का इस लड़की से रापता नहीं रहा लेकिन चूंकि झूठ बोलना था मौलवी साहब भूल गए कि ये कह चुके हैं और उस लड़की ने भी जो कहा जिसके मुताबिक ये मौलवी साहब उसको इस फिल्म के मुताबिक ये इन्होंने बनाई इसको हवाले सेंड करते थे तो वो चेक करती थी मतलब थी। जो भी आप हवाले सेंड, मतलब सेंड, मतलब सेंड करते थे ना मैं उसकी मतलब तकीकात करती थी मतलब जो भी आप हवाले सेंड करते थे ना मैं उसकी मतलब तकीकात करती थी जो भी आप हवाले सेंड करते थे ना मैं उसकी तहलीक तहकीकात करती थी जो भी आप हवाले सेंड करते थे तो ये भी जनाब इस वीडियो में ऐसा खुला खुला तजाद है मेरे भाइयों एक हिस्से का दूसरे हिस्से से जो कि मौलवी रजा कादरी को जहां ये बात पूरा पूरा झूठा पक्का पक्का झूठा साबित कर जाती है वहीं फिर जो है आपसे इतमास है कि मौलवी साहब के बैंक में कोई पैसे शैसे डालें अब चलें रुपया नहीं डालना तो आधा आधा पचास पचास पैसे ही डाल दें हैं जी सारे जो मुजाहिदीन ख़त्म नबूत वरना ये मौलवी साहब जितने आज कल झूठ बोल रहे हैं ये बैद नहीं के अल्लाह ताली इनको अल्लाह माफ़ करे जहन्नम के अथा जो है वो गहरे खड में इनको जो है वो गुजारा करना पड़े और इनकी आकबत क्यों ख़राब करते हैं आप लोग इनको कुछ चंदा चंदा दें इनका ताकि इनकी परेशानियाँ कुछ कम हों अच्छा जी अब आगे चलें मजीद मौलवी साहब के तनाकजात देखें जी झूठी बोलना है ना तो मौलवी साहब के ने आप ये देखें यहाँ पर मसलन ये लड़की जो मौलवी साहब ने बनाई वो यहाँ पर क्या फरमा रही हैं मैं कर दूंगा। लेकिन आप मुझे, ना से चोरी पढ़वा दे। होना मैं बहुत, मुझे बहुत मारे लेकिन प्लीज आप मुझे पढ़वा दी ये मौलवी साहब के मुताबिक ये जी लड़की रो रही है बहुत इसको जनाब जान ने ये चोरी चोरी कलमा पढ़वाना पढ़वा दे कहती है, ये चाहती है और साथ ही अपनी ऑडियो भी रिकॉर्ड करवाई हुई है अब जाहिर है अगर इसकी ऑडियो है और यही वाकई ये कोई लड़की है कोई कादियानी लड़की है जिस तरह मौलवी साहब कह रहे हैं तो ऑडियो से कौन नहीं पहचान सकता जी अच्छा फिर यही लड़की जो यहाँ पे रो रही है ड्रामा कर रही है हैं जी और जनाब मुझे चोरी चोरी कलमा पढ़वा दें ये यह यहाँ पे मौलवी साहब को खुद ही क्या कह रही है मुबशर शाह साहब ये सारी ऑडियो आप ग्रुप में सेंड कर दो ताकि कादियानियों को शर्म आए हैं जी तो वही लड़की एक मिनट पहले रो रही है उसको डर लगा हुआ है मुबशर शाह साहब इस वीडियो में आगे जाकर कह भी रहे हैं कि जी जो कादियानी लोग हैं वो बड़े जुल्म करते हैं हम आपको सुनवाएंगे भी वो हिस्सा लेकिन वो एक मिनट पहले कोई ये बात थी और वो एक मिन, कुछ मिनट बाद वो मुबशर शाह साहब को कह रही है जी आप ये सारी ऑडियो सेंड कर दो क्यों इसलिए कि वो तो एहदी लड़की कोई है ही नहीं ये इनका अपना ड्रामा है तो मेरे भाइयों ये इससे भी ये साबित हुआ कि ये सारे का सारा ये ड्रामा है और ये पूरी वीडियो झूठ पर मबनी बनाई गई है फिर मेरे भाइयों जब झूठ बोलने हैं हैं जी तो फिर मौलवी साहब ने फिर कहते हैं ना रज के झूठ बोले और <laughs> बाज़ बातें इसमें ऐसी भी की हैं कि आप सुनकर आप हंसेंगे हैं जी बहरहाल ये काफ़ी मजा वीडियो भी है इसमें हम आपको जनाब उस हिस्से पर लिए चलते हैं जहाँ मौलवी साहब ने का छोड़ नहीं तो फिर लंबी-लंबी छोड़ें जरा सैकड़ों की तादाद में बल्कि हजारों की तादाद में ऐसे पूरी पूरी फैमिलीज हमसे रहा करती हैं जो कि कलमा पढ़ के मुसलमान होते हैं लेकिन वो लोग फिर साथ ये भी हम, हमारे ऊपर पाबंदी लगाते हैं कि आप लोग ये इसको सीक्रेट रखिएगा किसी और को पता ना चले ऐसे कई हजारों की तादाद में लड़कियां और लड़के कादियानी मरदई फैमिलीज के अंदर अभी भी रह रहे हैं उसका बाप कादियानी मां कादियानी बहन कादियानी भाई कादियानी लेकिन वो अलग एक लड़की या एक लड़का वो उस फैमिली का रुकन है लेकिन वो मुसलमान है जी तो इसको कहते हैं बिल्ली को चीचड़ों के खाब हैं जी मौलवी साहब ने कहा चलो शोशा छोड़ना ही है तो ज़रा लंबी छोड़ें हैं जी ये मौलवी हो इस तरह के मौलवी जो के ऐसे लोगों को जो है वो कादियानी बनाकर शो कर रहे हैं अपनी इस वीडियो में जो के आहमदी है ही नहीं जिस तरह के हम आपको साबित कर रहे हैं हमने आपको साबित किया है इस शख्स की जमात अहमदिया के बारे में मालूम सिफ़र सिफ़र है बिल्कुल ज़ीरो और वो इसको इन्होंने ये ड्रामा करवा दिया कि ये कादियानी है ये अहमदी है और अगर जना वाकई हज़ारों लोग हैं मौलवी साहब तो किधर हैं है जी लगाएं जरा उनकी ऑडियो ऑडियो शोडियो हमें सुनवाएँ पता चले किधर हैं लेकिन नहीं जनाब मौलवी साहब ने तो झूठ बोलना है शोशे छोड़ने हैं और यही इनका काम है इसके अलावा इनको कुछ और आता भी नहीं है क्यों शोशे छोड़ेंगे तो इनको चंदा मिलेगा ना सोशे छोड़ेंगे तो चंदा इनको मिलेगा वरना भूखे मरना इन्होंने बहरहाल ये हम आपको मजीद थोड़ा सा आगे सुनाते हैं एक और झूठ इन्होंने बोला है लेकिन वो उस फैमिली के अंदर रह रहे मजबूरी के तौर पे कई किस्म की मजबूरियाँ होती हैं क्योंकि ये एक दहशत गर्द ये मज़हब है कादयानीत ये लोग बहुत जुल्मों से करते हैं जो इनकी टीम के अंदर से इनके मज़हब से निकल के इस्लाम की तरफ आता है उसको फिर बहुत ज्यादा इस जलील ख्वार करते हैं, मारते हैं ए, उसके ऊपर बेजा मुकदमा दायर करते हैं या तरह तरह की तकलीफें देते हैं जी नाजरीन आपने सुना मौलवी साहब ने जब वो कहते हैं ना जब झूठ बोलना है तो इन्होंने कहा जो है वो रज के झूठ बोलो आप ये देखें आप हम हमारे खास तौर पर गैरमदी दोस्त जो सुन रहे हैं आपने कब कोई वीडियो ऐसी देखी होगी या कोई बात ऐसी सुनी होगी कि कोई अहमदी से गैरमदी हुआ हो और उसको जनाब मार पड़ी हो उसको तो आपके मौलवी सौरन ना सिर्फ ये कि उसको प्रोटेक्शन दे देते हैं उसको पैसे दे देते हैं बल्कि उनको तो अपने जलसों तक पहुँचा के उससे तकरीरें करवाते हैं कुछ भी नहीं होता अब अभी ये देख लें शमसुद्दीन साहब को देख लें जब वो जब तक उनका जमात से अखराज नहीं हुआ था तो आ, 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 और वो गैरामदी नहीं हुए थे उनको कोई पूछता ही नहीं था अब जब से गैरमदी हुए हैं ठीक है जी और आप पहली बात तो ये है कितने उनके ऊपर मुकदमे हुए हैं कोई मुकदमा नहीं हुआ कितनी उनको धमकियाँ मिली हैं क्या सितम हुआ है कुछ भी नहीं हुआ बल्कि उल्टा आप लोग हैं जिन्होंने वो ऐसा शख्स जो कि हमारी जमात में जाहिल था उसको आप लो आलिम, लोगों आलिम बना दिया जी जलसों में जाते हैं तकरीरें जनाब उनसे करवाते हैं तो इसलिए मौलवी साहब जो हकीकत हाल है वो आपके इस कमेंट को इन कमेंट्स को जो है वो झूठा साबित कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल इसके अलावा भी मेरे दोस्तों मौलवी साहब ने बड़ी मज़ाहिया यहाँ पर बातें की वो मैं हम आपको थोड़ा सा सुनवा कर इस वीडियो को जो है वो ख़त्म करते हैं सुने मौलवी साहब क्या एक तो ये मजाक बहुत करते हैं सुने वाले जो कादी लोग हैं उनसे भी गुजारिश है कि आप अपने मजहब की तहकीक करें आप कम अज कम थोड़ा सा एक काम कर लिया करें कि आपके तो आपको हकीकत नहीं बताते जी भाईयों, ये अब जो मजाही बात है वो यहाँ से शुरू हो रही है गौर से आप ये किया करें कि मुसलमान मोलवियों के मुंह से अगर जो बात आप सुनते हैं ना तो उसकी तहकी किया करें कि आखिर ये क्या चीज है मुसलमान मौलवी जब कोई एक इतराज कायम करता है तो आप असल किताबों के अंदर से जाके वो देखा करें तलाश किया करें तो आप इन जी मेरे भाइयों इसलिए ये बहुत मजाकिया बात है दो वजह से एक तो ये कि अपनी वीडियो में बढ़ बढ़कर तकरीरों में ये लोग कहेंगे कि जी असल किताबों में जाकर जो है वो बात तलाश करें लेकिन उन्हीं असल किताबों के ऊपर पूरे पाकिस्तान में पाबंदी दी हुई है कि कोई जाके हकायक देख ना ले ठीक है जी और दूसरी बात ये है इसलिए भी बहुत मजा है कि मौलवी साहब हम आपको बार बार बतलाते हैं कि आपके हवाला जात जब भी हम चेक करते हैं वो झूठे निकलते हैं हैं जी अब हमें बताएं हम क्या करें आपने तो अपने जिस तरह के खादार बार बार अर्ज कर रहा है चंदा बटोरने के लिए झूठ बोल दिया आप ये बताएं हमारे जैसे एमडी जो वाकई तहकीक करते हैं आप हवाला देते हैं और जिसकी मैं आगे एक मिसाल भी दूंगा, आप हवाला देते हैं और हवाला झूठा निकलता है स्याको सबाक से हट के निकलता है या आपने वो रंग उसको दिया होता है हमारी वीडियोस इसके ऊपर देख लें दोस्तों हम इन्हीं के हवाले तो दिखाते हैं और फिर उन्हीं के हवालों का इनके दावी को झूठा साबित करते हैं अलमदिल्ला इसलिए इनकी ये बात सुनकर मेरे भाइयों खाकसार को तो बड़ी हंसी आई मजाक माशा खूब कर लेते हैं झूठ भी खूब बोल लेते हैं अच्छा मेरे भाइयों ये जो आ, ये वीडियो जो है ख़त्म करने से पहले आखिरी बात मौलवी साहब अभी ये बात कर रहे थे जी हवाला जो है वो चेक किया करें जब कोई मौलवी बात करता है आगे जी मौलवी साहब आप ही की की वीडियो वीडियो का इसी में में आपने एक हवाले के बारे में बात की है हम इस वीडियो खत्म करने से पहले जो बात आपने की है हम आपको चैलेंज देते हैं कि हजरत मिर्जा साहब ने ये बात अपनी किताब में नहीं लिखी हुई अगर ये बात जिस तरह आपने बयान की है हमारी किताब में वाकई मौजूद है तो हमें वो हवाला चाहिए असल हवाला चाहिए अगर आपने इस वीडियो के जवाब में वो असल हवाला आवाम के सामने पेश ना किया तो यहीं से आपकी ये बात जो है वो पूरी तरह साबित हो जाएगी कि ये बात जो इन आपने यहाँ पे बयान की थी कि जी हवाला चेक कर लिया करें फिर अवाम आपके हवाले चेक ही क्यों करें जब आप हर हवाला जो बोलते हैं आप झूठ बोल रहे होते हैं दोस्तों सुने क्या दावा ये जहाँ पे घड़ रहे हैं मिर्जा गुलाम का कहते है, ये जो कलमा पढ़ते हो ला इस इसके अंदर जो लफ्ज मोहम्मद है इससे मुराद मैं हूं अब आपको ये यकीन ही नहीं आएगा आप कहेंगे नहीं ये मौलवी झूठ बोलते है। मैं कहता हूं वल्ला बिल्ला तल्ला आप मैं कसम उठा रहा हूं आप तहकीक तो करें आप मिर्जा गुलाम कादियानी की किताबें उठा के पढ़े तो सही आपने सुना कि मौलवी साहब ने दावा ये किया है कि गोया हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहि सलाम ने किसी किताब में लिखा है कि कलिमा के अंदर जो लफ्ज़ मोहम्मद है वहाँ मोहम्मद से मुराद मिर्ज़ा साहब ने ये लिखा है मैं हूँ मौलवी मुबर रज़ा कादरी साहब मुफ्ती साहेब हैं जी हमारा आपको ये चैलेंज है कि ये तहरीर कोई हमें दिखलाएँ कहाँ पे लिखा है आप यहाँ पे भी श्री झूठ बोल गए हैं हज़रत मिर्ज़ा साहब ने अपनी किसी भी किताब में किसी भी खिताब में और किसी भी जगह पे ये बात नहीं लिखी हुई कि कलेमा के अंदर जो मोहम्मद का लफ्स है उससे मुराद आज़ूर अलैहि वसल्लम नहीं है और गोया मिर्ज़ा साहब उससे मुराद हैं लाना तोल्लाकाजबीन बार प्यारे भाइयों इन मौलवियों ने इस मौलवी साहब ने इस वीडियो के आखिर पे जो है वो फिर झूठ बोल दिया और क्यों बोल दिया हम आपको बार बार जिस तरह के दिखला रहे हैं मौलवी साहब जो हैं इनकी आज कल लगता है हालत बहुत पतली है इनको ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आपसे आखिर में फिर दरखास्त है ज़्यादा से ज़्यादा भीख दें इनको चले पचास पचास रुपया रुपया ना सही पचास पचास पैसे ना सही तो भाई गैरमदी भाइयों इनको चवन्नी चवन्नी दे दो अगर चुवनी चवन्नी भी आप लोग दे देंगे तो देखें करोड़ों पाकिस्तानी जो हैं इन मौलवी बशर शाह साहब को चवन्नी चवन्नी भी दें तो मौलवी साहब को कम से कम इतने बड़े झूठ तो ना बोलने पड़े हैं जी ऐसी ऐसी वीडियो बना बना कर आपको या ये याद तो ना करवाना पड़े कि मैं जा रहा जे मुझे तो कादियानी पैसे दे रहे हैं तुम लोग तो मुझे पैसे नहीं दे रहे तो प्यारे भाइयों थी आज की वीडियो वो वीडियो जिसको मौलवी साहब ने झूठे तौर पर टाइटल दिया इसमें झूठे तौर पर किरदार भी झूठे मौलवी साहब ने बनाए उनके मुंह से वही झूठी बातें कहलवाई जो मौलवी साहब खुद बोलते रहते हैं और जैसा कि हमने साबित किया वो सारी की सारी ना सिर्फ ये किरदार छूटा बल्कि वो बातें झूठी और मौलवी साहब ने जैसी वाहियात बातें की जिसकी वजह से हमें मजबूरन इनको माहरे खुसरियात जो है वो कहना पड़ा हम कहना नहीं चाहते थे लेकिन ये मौलवी साहब जो हैं इनके जो जहनी पस्ती जो हैं वो पैसे की खातर मेरे भाइयों सिर्फ इस पैसे कमाने की खातर वो इस हद तक गिर चुकी है इस हद तक गिर चुकी है कि इनकी कोई भी वीडियो उठाकर देख लें उसमें ये कहीं ना कहीं से जिनसियात ढूंढकर कर ले आएंगे और वहाँ से ये अपनी जहनी तस्किन हासिल करने की कोशिश करते हैं नंबर एक और दूसरा ये कि अवाम भी चूँकि इनके इर्द गिर्द जो इनके दोस्त हैं उनके भी जहनी वो भी जहनी पस्ती का शिकार हो चुके हैं इसलिए वो भी इस तरह की लगता है इसी तरह की वीडियोस पर खुश होते हैं जिसमें इल्मी गुफ्तगू ना हो बल्कि कोई जिनसियाती गुफ्तगू हो इन्ना ला व लाह इलैहि राजिऊन पहले दोस्तों आ, इस दुआ के साथ के अल्लाह करे कि इन इन मौ, मौलवी बशर साहब जैसे मौलवियों को ये कम अज़ कम इतनी अल्लाह ताला हदायत अदा फरमा दे कि पैसे की खातर ये लोग झूठ बोलना बंद कर दें और इनको ये एहसास हो जाए कि एक दिन इन्होंने मरना भी है इस दुआ के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं असलकम वहल वबरकू